Hello friends, welcome back in my channel Learning by Doing. कैसे हैं आप सभी? I hope आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे. आज का मोटिवेशन कोड: सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सफलता का सपना देखना होगा जो रात को भी सोने ना दे. To be successful, first you have to dream of your success that refuses to sleep at night. Move करते हैं first question पे. Smart City Mission योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? Which state has secured the first position in the implementation of Smart City Mission plans? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड. इसका राइट आंसर है झारखंड. स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन: मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS किसने डिजाइन किया है? वो डिजाइन ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS टू रिड्यूस द करंट ऑक्सीजन डिफिशियंसी. ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, DRDO, भारतीय वायुसेना. इसका राइट आंसर है भारतीय नौसेना. मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS भारतीय नौसेना ने डिजाइन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन: आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? Which state has topped in establishing health and welfare centers under आयुष्मान भारत? ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक. इसका राइट आंसर है कर्नाटक. आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन: छह विरासत स्थलों में से एक कांचीपुरम के मंदिर, जिसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? The Temple of Kanchipuram, one of the six heritage sites which has been added to the UNESCO World Heritage Cities temporary list of India, is located in which state? Option hai Karnataka, Telangana, Odisha, Tamil Nadu. इसका राइट आंसर है तमिलनाडु. छह विरासत स्थलों में से एक कांचीपुरम के मंदिर, जिसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, तमिलनाडु में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन: किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च अमृत वाहिनी ऐप फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड. इसका राइट आंसर है झारखंड. झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे COVID-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च हिट कोविड ऐप टू एंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ COVID-19 पेशेंट्स लिविंग इन होम आइसोलेशन? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, असम, बिहार. इसका राइट आंसर है बिहार.
बिहार सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड 19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड वस्तुओं के दान पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला पहला राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू अलाउ रिइंबर्समेंट ऑफ जीएसटी ऑन डोनेशन ऑफ कोविड ड्रम्स? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य कोविड वस्तुओं के दान पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो समूह द्वारा हाल ही में शुरू की गई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का नाम बताइए। नेम द रिसेंटली लॉन्च एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बाय हीरो ग्रुप। ऑप्शन है हीरो टेक, हीरो विरेट, हीरो एडू, हीरो प्लस। इसका राइट आंसर है हीरो विरेट। हीरो समूह द्वारा हाल ही में शुरू की गई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का नाम हीरो विरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? द यूनाइटेड किंगडम हैज रिसेंटली स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग फ्री ट्रेड टॉक्स विद विच कंट्री? ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है भारत। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक दल RLD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में स्वर सम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अनएनिमियसली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एट द नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ द राष्ट्रीय लोक दल RLD? ऑप्शन है सुनील सिंह, सत्यपाल सिंह, जयंत चौधरी, मोहन चौधरी। इसका राइट आंसर है जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोक दल RLD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की स्वर सम्मति से जयंत चौधरी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआंग लॉन्गपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? विच कंट्री फेमस साइंटिस्ट युआन लॉन्गपिंग डेड एट द एज ऑफ 91? ऑप्शन है चीन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। इसका राइट आंसर है चीन। चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूदा सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी मोर स्पाइसेस है been included in the list of snakes present in Delhi after a 5-year comprehensive study done by researchers from the University of Delhi? Option है 5, 6, 7, 8। इसका right answer है 8। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ा गया है। Next question, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ न्यू कंसुलेट ऑफ इंडिया इन द सिटी ऑफ अड्डू इन विच कंट्री? ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। इसका राइट आंसर है मालदीव।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ PAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया? विच प्रेसिडेंट ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI वॉज इलेक्टेड टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF काउंसिल फॉर 4 ईयर्स? ऑप्शन है हिमंत बिस्वा शर्मा, मोहन सचदेवा, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद। इसका राइट आंसर है हिमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के हिमंत बिस्वा शर्मा को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, सुबोध जायसवाल, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। इसका राइट आंसर है सुबोध जायसवाल। IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।